हाय, मैं हूँ मिथिलेश और ये है मेरे दो दोस्त। एक ने मुझे घर पे पनाह दी और दूसरे ने मुझे रास्ते में सहारा। इनकी बिचिंग तो हम बाद में भी करेंगे, अब बात करते हैं हैम्बर्ग की। हैम्बर्ग एक जर्मनी के ऊपरी हिस्से का शहर, जहाँ पे 8% पानी और उन पे ये सारे ब्रिजेस, और जहाँ ब्रिजेस है वहाँ पे ताले होना तो लाजमी है। खैर, हैम्बर्ग को सिटी ऑफ ब्रिजेस भी कहा जा सकता है क्योंकि यहाँ पे 2500 से ज्यादा ब्रिजेस है, और फिर लंदन, वेनिस और एम्स्टरडैम को मिलाकर भी जितने ब्रिजेस बनते हैं उससे ज्यादा ब्रिजेस है। हैम्बर्ग जर्मनी का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और यहाँ का पोर्ट यूरोप का तीसरा सबसे बड़ा पोर्ट। सुना है यहाँ पे दो नदियाँ भी हैं, जहाँ पे लोग मानते हैं कि एक है पैसे बनाने वाली जो कि रिवर एल्प, और दूसरी पैसे उड़ाने वाली जो कि रिवर एल्स्टर। इस पोर्ट की खूबसूरती समझने के लिए हमें जाना होगा एल्फ फिल हार्मनी। जैसे अजीत होता है अज्जू और मनमीत होता है मन्नू, वैसे ही एल्फ फिल हार्मनी का निकनेम है एल्फी। एल्फी हैम्बर्ग का सबसे बड़ा कॉन्सर्ट हॉल है जो कि 2017 में इनॉग्रेट हुआ था। इसका हाई क्लास आर्किटेक्चर और टेक्सचर बहुत ही खूबसूरत है और रात का पोर्ट व्यू इज अमेजिंग एंड वर्थ टू वॉच फॉर। क्रिसमस का माहौल था और टेम्परेचर 0 के नीचे जा रहा था, और इसी कड़ाके की ठंड में लोग अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहे थे। और रस्तों पे चलने वाली भीड़ और गाने सुनने वाले वो लोग, हर तरफ लाइट्स, लोगों का उत्साह देख के मुझे एक कॉन्फिडेंस आ रहा था। और दूसरी तरफ चर्च में भी लोगों की भीड़ लगी हुई थी। ओ, यहाँ के पादरी भी बड़े स्टाइलिश किस्म के आदमी। इन जलतो दियों को देखकर मुझे दिवाली की याद सी आ गई। कल्चर्स भले ही अलग हो, बट इनका मकसद शायद वही है जो लोग अक्सर बोला करते हैं, गिव लाइट एंड पीपल विल फाइंड देयर वे। और वही मैं देख रहा था, पिता अपने बेटे को, माँ अपनी बेटी को लाइट्स पास ऑन करते हुए। यहाँ के क्रिसमस मार्केट्स भी बहुत फेमस होते हैं। ग्लू वाइन तो इनका मेन ड्रिंक है। शाम होने लगी थी और भूख भी जोरों की लगी थी, और हम चले गए इंडियन रेस्टोरेंट। नाम बादशाह था और खाना भी हम वही एक्सपेक्ट कर रहे थे, और निकला भी वही। खाने में 4 यूरो की थाली, समोसे, जलेबी और उसके साथ मैंगो लस्सी। यहाँ देसी से ज्यादा तो विदेशी थे। ये मेरे उन कुछ दोस्तों के लिए जो मुझे इंडियन फूड की फोटोज भेजते हैं। किसी को कोई जलेबी कितनी पसंद हो सकती है, इसका कोई भाई आज तो बहुत दिनों के बाद मुर्गा तोड़ेंगे और आज मिलेगी हमको जलेबी। मैं वो इंसान हूँ ना जो जलेबी के लिए किसी का भी मर्डर कर सकता था। ऐसा था मैं, एक शादी में मैंने एक साथ बैठे बैठे 70 जलेबी खाई थी। तो हम हैम्बर्ग के एयरपोर्ट पे जिसका नाम है हैफन सिटी। अगर हैम्बर्ग आए और हार्बर टूर नहीं किया तो शायद कुछ अधूरा सा रह जाता है। यह है हमारी शिप हैम्बर्ग टेंशन, और वो है हमारे कैप्टन। उन्होंने कहा कप्तान कहोगे तो बेहतर होगा।
तो इनकी डेली टिकट पास में हाबर्ग टूर इंक्लूड होता है, जो कि अराउंड 6 यूरो कॉस्ट करता है। ये टूर आपको एक तरफ इनकी शिपिंग इंडस्ट्री, जायंट आर्किटेक्चर और दूसरी तरफ मैग्निफिशेंट बीचेस को इंट्रोड्यूस कराता है। ये यूरोप का सेकंड बिजिएस्ट एयरपोर्ट भी है, इसीलिए इसको यूरोप्स गेटवे टू द वर्ल्ड या फिर वर्ल्ड्स गेटवे टू द यूरोप भी कहा जाता है। अगर हम गेटवे की बात कर रहे हैं तो हमें एल्प टनल के बारे में भी बात करना होगा। एल्प टनल ये 1911 में व्हीकल्स या फिर पेडेस्ट्रियन के लिए ओपन हुआ था। ये टनल अराउंड 426 मीटर लंबा और जमीन के 80 मीटर नीचे है। यहाँ की दीवारें भी समुद्र जीवियों से भरी पड़ी है, जैसे कि मछली, केकड़े, चूहे एक्सेट्रा। लोग यहाँ पे जॉगिंग, साइकिलिंग सारी एक्टिविटी करते हैं और हम लोग खींच रहे थे यहाँ पे फोटोज़।